फ्रेंड्स, वेलकम टू किंग इन किचन, ईट हेल्दी स्टे हेल्दी। माय नेम इज संतोष एंड टुडे आई एम वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी टू टेल यू दैट आई हैव लॉन्च्ड अ पर्सनलाइज्ड वेट लॉस प्रोग्राम मिशन स्लिम पॉसिबल। द फुल प्रोग्राम हैज लॉट मोर रेसिपीज, टिप्स एंड गाइडेड कुकिंग सेशंस। सो इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट द प्रोग्राम, यू कैन जॉइन द व्हाट्सएप ग्रुप बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। व्हेन यू फॉलो द प्रोग्राम मिशन स्लिम पॉसिबल, you get to eat right and your pants won't be tight. So today I'm going to show you how to make rasam using horse gram, also known as kut ki dal in Hindi. This is a great source of plant-based protein and very beneficial for weight loss. This has the highest protein content of all the lentils that you find in the planet. This is also known as superfood because it has lot of other health benefits also. So without wasting any time, let's see how to make the recipe. कुल्थ की दाल बनाने के लिए यहाँ मैंने एक कप दाल लिया है, इसे 4 घंटे तक पानी में भिगो के रखना है। फिर हमें चाहिए इमली, इमली को भी मैंने पानी में सोख कर लिया है, आप चाहिए तो पल्प भी यूज़ कर सकते हैं। और एक टमाटर, पहले हम दाल को अच्छी तरह पका लेंगे। दाल को पकाने के लिए मैं यहाँ एक स्टॉक पॉट का यूज़ कर रहा हूँ, उसमें मैं डबल क्वान्टिटी पानी डालूंगा और साथ ही साथ में टमाटर भी पका लूँगा, क्योंकि दाल पकने में टाइम लगेगा तो मैं दाल के साथ साथ मैं राइस भी कुक कर लूँगा। तो मैं यहाँ एक स्टीमर का यूज़ कर रहा हूँ, इसे मैं स्टॉक पॉट के ऊपर रख के इसके ऊपर चावल भी चढ़ा दूँगा और इसे बंद करके 15 मिनट तक इसे पका लूँगा। 15 मिनट बाद आप देख सकते हैं कि हमारा चावल कितनी अच्छी तरह पक गया है, स्टीम हो गया है और ये बिल्कुल खिला खिला भी है, ये बिल्कुल चिपका हुआ नहीं है। अब हम चावल को बाहर निकाल लेंगे और हमारा टमाटर भी अच्छी तरह पक गया है तो हम टमाटर को भी एक फोक से बाहर निकाल लेंगे। फिर हम इस दाल को इसे एक मिक्सर ग्राइंडर में या ब्लेंडर जार में हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। और जो बाकी इसका जो जूस रह गया है उसमें हम ऐड करेंगे इमली का पानी, नमक, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर और जो हमने टमाटो का पका के रखा था उसका पल्प भी हम डाल लेंगे, वो मैं शूट करना भूल गया। फिर हम 5 मिनट तक अच्छी तरह बॉईल कर लेंगे। फिर जो हमने दाल को मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड किया था उससे भी मिला लेंगे। तो आप देख सकते हैं इसे हमें अच्छी तरह ग्राइंड नहीं करना है, हमें इसका पेस्ट नहीं बनाना है। अब हम इसके लिए तड़का प्रिपेयर करेंगे। उसके लिए हमें चाहिए लहसुन, इसे हमें अच्छी तरह क्रश कर लेना है, कुछ कड़ी पत्ते और राई के दाने। इसे क्रश करने से क्या होता है कि इसका जो अरोमा है वो बहुत ही अच्छी तरह आ जाता है। फिर हम एक पैन गर्म कर लेंगे, उसमें डालेंगे 1 टीस्पून ऑयल। जब तेल गर्म हो जाएगा हम उसमें डालेंगे राई के दाने। जब राई के दाने उछलना शुरू कर ले तब हम उसमें डालेंगे क्रश किया हुआ लहसुन और करी लीव्स। फिर हम इसे अच्छी तरह हिलाएंगे। इसे हमें तब तक रोस्ट करना है जब तक लहसुन का रंग थोड़ा चेंज होके ब्राउन ना हो जाए। आप देख सकते हैं अभी इसका रंग चेंज हो गया है, हल्का सा ब्राउन हो गया है, तो ये बिल्कुल रेडी है अभी। अब हम इसे निकाल के अपने रसम में ऐड कर लेंगे। ऐड करके हम इसे फिर से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो दोस्तों ये लीजिए हमारा कुल्थ का रसम यानी कि होर्स ग्राम रसम रेडी हो गया है। आप गरम गरम चावल के साथ या फिर सूप जैसा भी पी सकते हैं। So if you're looking to lose your weight without compromising on the food and taste, then please join the Mission Slim Possible WhatsApp group by clicking on the link given in the description box below. This is a customized weight loss program where I will teach you how to cook your favorite food in zero oil, non-toxic cooking techniques and dishes which are high in protein, fiber and nutrients. The uniqueness of the program is that you make permanent lifestyle changes in the way you cook,
the way you live, and so you never gain back the weight that you have lost. So, without wasting any time, quickly join the group and get your free diet analysis done. Thank you.